खैर एनी वे 1676 हो गया 77 हाँ 78 79 अच्छा 78 79 80 81 82 83 84 85 हाँ ये 85 के अंदर से मल्टीप्लाई करना होगा आप अगर देखें तो ये लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 1 श्योर है भाई मल्टीप्लाई किया किसी ने इसको कितना बन गया क्या बनेगा आपने करा ही नहीं मल्टीप्लाई अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स रूट एक्स सही है भाई अच्छा ये हो जाएगा माइनस का एक्स ये हो जाएगा प्लस का रूट एक्स और ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का एक्स माइनस का रूट एक्स प्लस का 1 राइट है भाई कुछ कैंसिल आउट हो गया सही भाई एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया फाइनली इट बिकम्स एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 बस अब आ गया आप कर लो आप 86 हाँ कोई बात नहीं भाई आप में से अगर किसी का नहीं हुआ है तो आप अपनी तरह से एक बार बोलेंगे जो मेरे को लगेगा सही जगह तो मैं रोक भी लूंगा रूट एक्स माइनस में एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे दे रखा एक्स क्यूब डॉट डीएक्स सही है अच्छा पहला काम डिवाइड करें डिवाइड करते ही हो जाएगा एक्स की पावर हाफ है इसमें जैसे इसका डिवाइड लगेगा एक्स की पावर माइनस का 5/2 बच जाएगा सही है ना भाई इस एक्स क्यूब का जिस दिन इसमें डिवाइड लगेगा कट जाएगा तो माइनस का ई की पावर एक्स जिस दिन इसमें डिवाइड लगेगा उस दिन 1/x बाकी तो आप कर ही लेंगे सही है अगले क्वेश्चन में आता हूं ठीक है भाई अगला क्वेश्चन है 87 88 89 89 भी नहीं हुआ 89 जिन बालकों का नहीं हुआ उन्होंने इसको ओपन ही नहीं किया 1-x का होल स्क्वायर अपॉन x अंडर रूट x डॉट dx अगर आप इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1+x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में नीचे सबके x रूट x डिवाइड मार दो आप तो बस जैसे आप सेपरेटली डिवाइड करोगे आपका आंसर अपने आप बनना चालू हो जाएगा अगले पे आ जाओ 90 नहीं होने का मतलब 100% आपको a प्लस बी का होल क्यूब अभी भी तकलीफ दे रहा है 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल क्यूब अपॉन में नीचे दे रखा है क्यूब रूट ऑफ एक्स राइट है भाई अब आप में से किसी को अगर ये ओपन करना है तो दैट इज 1 प्लस रूट एक्स का क्यूब माने एक्स की पावर 3/2 सही है भाई प्लस में 3 इंटू एक्स प्लस में 3 रूट एक्स ठीक है भाई अपॉन में सबके ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है ना क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की बार 1/3 एक्स की बार 1/3 एक्स की बार 1/3 एक्स की बार 1/3 अब आप इनको काटना पीटना चालू कर दो जैसे ये एक्स की बार -1/3 बन जाएगा ये 3/2 -1/3 ये है एक्स की बार 2/3 ये एक्स की बार 1/2 -1/3 बाकी तो आप इनको सॉल्व करके आ गया दो हम एक क्वेश्चन नंबर 90 91 92 है ना भाई 92 के बाद अपने फार्मूले चालू हो गए फार्मूले का मतलब पता है कौन सा वाला आपको बस ये सोचना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा ये अंडर रूट में 3-x² लिखा है ये आपको दिख रहा है ये अपने आप में एक्चुअल में ऐसा है रूट ओवर कितना रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इसकी फोटो किसके जैसी है डीएक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जिसमें कौन सा फार्मूला लगेगा जेन साइन इनवर्स गुड कितना साइन इनवर्स एक्स बाई ए बाकी तो आप बना लेंगे अगले क्वेश्चन में आ जाओ सही भाई कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ भाई अगले क्वेश्चन में आता हूं ये वाला हो गया 3 into 90 93 हो गया 94 नहीं हुआ अच्छा मिला लेते हैं इंटीग्रेशन में दे रखा है 1+cos²x अपॉन में नीचे दे रखा है 1+cos²x कितने लोगों को पता है 1+cos²x बोले तो कितना 2cos²x अब इस 2cos²x का डिवाइड किस में लगाऊं इसमें किस में तो यहां पे जाते ही तो ये 1/2 बार आ गया इंटीग्रेशन में sec²x रह गया जैसे इसमें डिवाइड किया तो सिर्फ 1/2 रह गया 1/2 बार आ गया इंटीग्रेशन में dx बाकी आप कर ही लेंगे इसको याद है sec²x का 10x तो sec²x का 10x अगले क्वेश्चन में जाओ 95 नहीं होने का मतलब मैं कह रहा हूं ना आपकी ट्रिग्नोमेट्री सुधर जाएगी ट्रिग्नोमेट्री तो जबरदस्त सुधर जाएगी किसी बच्चे ने अगर दिल से इंटीग्रेशन का पीछा किया ट्रिग्नोमेट्री फ्री है फ्री ये देखेगा cos²x अपॉन में sin²x * cos²x / dx क्या ये बात सही है
आपको पता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया, अपॉन में नीचे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर चल रहा है, किसके नीचे डिवाइड होंगे इसके इसके, जैसे मैं इसके नीचे डिवाइड लगाऊंगा इट विल बी कॉस स्क्वायर कैंसिल, फाइनली इट इज कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस में जिस दिन इसमें डिवाइड लगाया साइन स्क्वायर में इट इज सेक स्क्वायर एक्स, आप में से किसी को जाने इसका और इसका माइनस वॉट एक्स, वेरी गुड। ठीक है भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ भाई ये तो हो गया हमारे पास में, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1695। हाँ भाई 96, क्या आपको याद है मैंने आपको टेन स्क्वायर एक्स के बारे में पूछा था एक बार, टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, वन का एक्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, अगला क्वेश्चन कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कैसे लिखूं बोलो, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इससे बढ़िया बुक ही नहीं है भैया, बहुत बहुत ही अच्छे मन से बनाई गई किताब है, आप करिए, मैं आपको कह रहा था ना आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। हमें 98 बात हो, 98 क्या आपको ये पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता तो क्या करते हैं, हाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख लो बस आप, अब यहां थीटा की जगह भले कुछ भी फंसाओ नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, अगला क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1699, ये तो कॉपी का क्वेश्चन है, 1700 हो गया, हाँ भाई 1701 पक्की बात, पक्का हो गया ना, आपको ये भी पता है कि dx डिवाइड बाय यहां लिखा हुआ है cos 2x और प्लस में दे रखा है sin square x, अब जल्दी से बता दो साहब dx डिवाइड बाय इट इज, ये हो जाएगा cos square minus sin square plus 2 sin square, इसका मतलब हो गया dx डिवाइड बाय 1, सोचना नहीं आया, ये 1 हो गया, इसका मतलब dx का x, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1703 1703 हो गया, ये तो कॉपी में कराया है, अच्छा आप क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हाँ वाई मान लेते हैं है ना, और अगर वाई से काम ना चले तो वो डी अपॉन डी एक्स को बाहर ले जाते हैं, याद आया, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1706 हो गया, कितने लोगों को ये भी पता है कि 1706 में यहां क्वेश्चन में दे रखा है एक्स प्लस वन की पावर, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स प्लस वन की पावर 15, मेरे को तो बस एक बात बोलनी है और याद दिलाना है, क्या आपको याद है लीनियर इक्वेशन होने के केस में उसे क्या माने एक्स, तो ये मेरे लिए x की बार 15 है, x की बार 16, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की बार 16 बाय 16, नहीं है, अगले में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1707 हो गया, ये मेरे को क्या दिख रहा है बताओ, मेरे को दिख रहा है इंटीग्रेशन में जैसे किसी ने लिखा हो 2x माइनस 3 की पावर माइनस 5, आगे आप कर लेंगे, कितने लोगों को पता है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x माइनस 3 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 4 इंटू 2, ये बात आपको क्लिक कर गई। अगले क्वेश्चन में आ जाओ 1708 हो गया, क्या ये आपको क्या दिख रहा है a प्लस बी एक्स की पावर माइनस सी, सोच लिया आपने इसका इंटीग्रेशन, सोच गए प्लस वन प्लस वन और डिवाइड बाई बी, क्योंकि a प्लस बी एक्स का b भी आएगा नहीं आएगा, याद है ना, नहीं याद है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1709 हो गया, अच्छा 1710 11 हो गया होगा, m तो बाहर जाएगा, ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है m गया बाहर, यहां लिखा हुआ है ए प्लस बी एक्स की होल पावर, कहां चला गया माइनस, नहीं हाँ माइनस नीचे गए माइनस का 2/3, सोच लिया क्या आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो उम्मीद है आपसे बन ही जाएंगे, सही है। अगला क्वेश्चन मैं जो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आप सोचो लीनियर इक्वेशन पे है ना, आप में से किसी ने भी एक के बाद एक करना चालू करा ना उसका हाथ इतना बढ़िया खुल जाता है, इससे बढ़ के क्या मिलेगा, लगातार 5 क्वेश्चन एक जैसे कर डाले आपने, आपका अपने आप ही हाथ खुलता जाएगा खटाखट खटाखट। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये 12 का होना सब्स्टिट्यूशन भी बेस्ड है ना, ये आपसे होना थोड़ा मुश्किल है, हाँ नहीं मुश्किल है क्योंकि हमने इस टाइटल पे क्वेश्चन किए नहीं है, है ना, अपने कहां तक दिया था क्वेश्चन 20, हाँ तो ये अब अपन इसके बाद के क्वेश्चन में, इसमें क्या है बीच बीच में क्वेश्चन हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते थे, जैसे 1727 कर सकते हैं आप, ठीक है ना, आज के दिन पे भी कर सकते हैं, आपको याद होगा डी थ्री एक्स को वाई मानना है, हो जाएगा, उसके बाद 28 में भी क्या करना है 1 प्लस एल एन एक्स को वाई मानना है, हो जाएगा, उसके बाद 1729 में, अच्छा कितने लोगों को पता है कॉस 3x का इंटीग्रेशन, पता भी है क्या कॉस 3x का, अरे साइन 3x डिवाइड बाई 3 माइनस नहीं बोला करो, अब तो हैबिट छोड़ो, अभी भी माइनस निकल जाता है मुंह से, ठीक है, अच्छा कितने लोगों को लगता है ये समझना कॉस अल्फा माइनस
cos 2x डॉट dx, देखा आपने? अच्छा आपको पता है ये दो इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूं, कर दूं? इंटीग्रेशन के अंदर इसका cos अल्फा बाहर जाएगा, कारण बोलो, कांस्टेंट है, यहां रह जाएगा dx माइनस में, इधर हो जाएगा cos 2x डॉट dx, क्या ये बात पकड़ में आई आपके? cos अल्फा आ गया बाहर, dx का x, इधर cos 2x का sin 2x / 2, अब समझ में आ रहा है? कांस्टेंट है, ऐसे नहीं अल्फा अल्फा का सबका sin अल्फा चिपका दिया, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरह यूज करना सीखो, ठीक है? उसके बाद में अगला 31 हो जाएगा, 31 कर लोगे? जवाब दो, आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर माइनस कॉस 2x माइनस 3 अपॉन 2, श्योर है? अगले का आंसर बोलो, डायरेक्ट बोल दो, साइन 1 माइनस 2x डिवाइड बाई, अगले वाले पे आ जाओ, अगले वाले में आपको दिख रहा है ये है ना भाई, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ये दिख सकता है, मुझे हो सकता है दिख जाए dx डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 2x माइनस पाई बाई 4, क्या आपको ये दिख सकता है? Yes, sir. अगर आपको ये दिख रहा है तो बस आप देखो, मैं कह रहा हूं ना आपके इससे बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री सुधारने का मौका ही नहीं है, इतने हल्के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री किसी किताब में ही नहीं है, क्योंकि वो चीजें जिनके आप तरस रहे हो ना कि ट्रिग्नोमेट्री कोई तो मेरा भी हो क्वेश्चन, वो आपको यहां मिलेंगे ढेर। देखो cos स्क्वायर थीटा की फील आएगी, ये थीटा सोचो, ये लिख रहा है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा देखते ही 1 + cos 2 थीटा में चले जाओ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, होता है कि नहीं होता? यस सर। अगर ये होता है तो आप सोचो, ये लिखा हुआ है dx डिवाइड बाय 1 + cos 2 * थीटा की जगह सारा टर्म टीम cos 2x - अच्छा, लेकिन आपको पता होगा मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, यस सर, cos के फर्क, तो मैं यहां पे पाई बाई 4 माइनस 2x लिख रहा हूं भाई, yes, और जो डिवाइड बाई 2 है वो ऊपर बाहर, yes, ले जाओ सीधे ही, yes, अच्छा आप सोचो 2 की मल्टीप्लाई कभी तो करोगे, yes, क्या आपको यहां दिख गया dx डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 4x, नहीं है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा, अब आ जाओ 2 इंटू में dx डिवाइड बाई, इट इज नथिंग बट 1 प्लस साइन 4x, अब जरूर पंगा अड़ेगा, अब क्या करोगे सर आप, 1 प्लस साइन 4x का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता, मैंने कहा इस जगह पे मैं करूंगा रैशनलाइज, कैसे सर कैसे, है कि नहीं? क्योंकि आपको स्ट्राइक कर जाएगा, मेरे बोलते ही आपको स्ट्राइक कर जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, 1 माइनस साइन 4x अपॉन में नीचे आपको क्या दिख रहा है बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपके लिए बन गया कॉस स्क्वायर 4x, सही है ना, cos स्क्वायर 4x का डिवाइड इसमें गया 1 बाई कितना sec स्क्वायर का हिसाब आता है आपको कितना 10 10 4x / 4 नहीं है, अच्छा साइन में गया तो sec x 10x, सोचो जरा साइन में गया तो sec 4x 10 4x नहीं आया, sec 4x 10 4x का sec x, आगे तो कर लोगे ना आप, बिल्कुल चलें आगे, अगला देखो इतने कितने बढ़िया बढ़िया पॉइंट हैं जो अपने को निकल के आ रहे हैं, ऐसे अपन चाहेंगे ना तो भी छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे ना तो भी नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, ये बहुत आसान है, इसका वाला तरीका देखो, अब मेरे को यहां कैसे पता चलेगा मैं किस रास्ते जाऊं, इस रास्ते या उस रास्ते, ठीक है ना, इसका वाला रास्ता क्या है, इसका वाला रास्ता सीधे बाहर लेके जा रहा है, देखो आपको दिख रहा हो तो sec स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस पाई बाई 4, सही है कि नहीं, इट इज sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 10 2x माइनस पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2, डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर अगर नहीं हो तो ये वाला आंसर मिलेगा, कैसे पता चलेगा सर किस में जाना है ना, पता करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आंसर अगर एक स्टेप में दे रखा तो यही है, और अगर आंसर दो स्टेप में दे रखा तो ये है, और दोनों आंसर वैलिड है, मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, मैंने पिछली बार भी बोला था आपको, याद आ गया ना, हाँ इंटीग्रेशन बहुत मजेदार चीज है भाई सब, अगले पॉइंट पे आ जाओ, अगला क्या दे रखा है, अगला 34 छोड़ देना, 35 कर सकते हो, 36 कर सकते हो, अभी 37 वगैरह आज के दिन से स्टार्ट हो जाएगा, 38 हो गया, कोई सोच सकता है 38, अरे सोच सकते हो dx डिवाइड बाय 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, ln ln 2x अपॉन 2 आया कि नहीं है, आया। अच्छा अगला वाला बोलो, क्या आप इसका सोच गए dx डिवाइड बाय cx प्लस m, कितना ln 1 अपॉन x जैसा है तो ln कर लोगे ना, बस आप तो डायरेक्ट जवाब देते दो कि हाँ सर मैं इसका सोच सकता हूं, अच्छा जल्दी से बताना 10x का, 10x का नहीं ln sec x, ln mod sec x, याद आया? हाँ अभी भी नहीं याद हुए आपको ट्रिग्नोमेट्री, ये तो वो फार्मूले तो बेसिक हैं, 10x का log sec x,
10x का ln sec x, 10x का log sec x. अच्छा cortex का बोलो, ln sin x, ln sin x. हाँ बोलते बोलते याद हो जाएगा, बार बार बोलेंगे ना अपन, है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बन जाएगा अपना काम. ठीक है भाई, अगला वाला बोलो, देखें क्या आप इसका बोल दोगे, cot 2x minus 1, cot 2x plus 1, ln sin 2x plus 1 upon 2, ln sin 2x plus 1. अरे यहाँ ln sin है, यहाँ ln sin 2x plus 1, अभी भी नहीं पढ़ ले पढ़ रहा. अगले वाले पास जाते हैं, tan 3x सोच लोगे, अरे tan 3x, ln sec 3x by 3, नहीं आया. अच्छा इसे आसान क्या होगा बताओ, मतलब जान थोड़ी दे देगा कोई आदमी. ए टू द बार 3x, ए टू द बार 3x का, ए टू द बार 3x ln a, ए टू द बार 3x डिवाइड बाई ln a इंटू 3, अभी भी नहीं आया, याद है ना, ए टू द बार x का, ए टू द बार x अपॉन ln a. अगला ये देखो लड्डू एकदम बिल्कुल, क्या मैं आपको क्या जवाब दूं, मैं किस जगह बचाऊं. हाँ अब देखो 70, ये 59 से मेरे काम के क्वेश्चन आए, ठीक है ना, मेरे को जगह नहीं मिल रही थी, तो इस बार कम से कम बात तो हो जाएगी, और कल आप अपनी कॉपी भरी लोगे. मुझे दिख रहा है बिल्कुल dx डिवाइड बाई, इट इज समथिंग लाइक 1 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, क्या आपको दिख गया क्या? मुझे इसमें फील आई dx डिवाइड बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स x बाई a. अब जरा ध्यान से सुनना, आंसर सुनेगा, आंसर हो गया साइन इनवर्स 5x डिवाइड बाई 1 एक्स बाई ए से, और फिर 5x का 1/5, ये 1/a नहीं है, ये 5x का 5 है डिफरेंशिएशन के कारण, नहीं आया. हाँ ये जरूर पकड़ो आप, अगर आपको ये बात यही पकड़नी भाई, है ना, ये 59 नंबर क्वेश्चन है, 1759 पे चल गए अपन. सही है भाई, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, बीच के कोई 10-12 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सब कर डाले अपन ने, ठीक है ना भाई. हालांकि मैं उनको भी करवा सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करवाया. अच्छा तब तक आप ये पहले ये दिमाग भरो, 1 प्लस 9x स्क्वायर, मुझे दिख रहा है dx डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस, फार्मूला मुझे फील आ रही है dx डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कौन सा फार्मूला, tan इनवर्स, कौन सा, tan इनवर्स x बाई a, आगे 1 बाई a, तो देखो 1 बाई a, a की जगह 1 है, x की जगह 3x है, तो 1 बाई 1 इंटू tan इनवर्स 3x by 1, और फिर 3x का 1/3. नहीं है ये बात पकड़ में, थोड़ा थोड़ा अभी देखो, ये इससे बढ़ के क्या मिलेगा, अपने पास साक्ष्य पड़ा है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको ये बात यहां तक पकड़ में आ रही है तो. हाँ भाई अब मैं बस आपसे सिर्फ फार्मूला पूछने में इंटरेस्टेड हूं, और कुछ नहीं. फार्मूला मिलता जाए मेरा काम बनता जाएगा, मेरे को अच्छा लग रहा है कि फार्मूले पे कोई तो क्वेश्चन है जो आपसे बन सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है. अच्छा देखिए नहीं, बस ऐसे पूछ रहा हूं, cos square x के लिए क्या करोगे बोलो, 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस cos 2x बाई 2, क्या लिखोगे, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, cos square x हो जाएगा. याद रखना हम डिग्री में एंटरटेन नहीं करते, अरे प्लस अभी देख लेंगे ना. अच्छा ये cos square x है, हम डिग्री में एंटरटेन नहीं करते. हाँ हम साइन स्क्वायर एक्स में भी क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2x बाई 2. अच्छा जल्दी बताओ tan square x के लिए क्या करेंगे, sec square x minus 1, क्या लिखेंगे. अच्छा cot square x के लिए, अच्छा बताओ साहब sec square x के लिए, अरे tan x, इसके लिए तो फार्मूला ही है, नहीं है. अच्छा cosec square x के लिए, अब आपने क्या दिमाग लगाया, मैंने आपको sin square सिखाया, cos square सिखाया, tan square सिखाया, cot square सिखाया, इनमें तो बुद्धि लगानी थी, sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूले है, नहीं है. आप याद करना चालू करो किसमें क्या करना है, किसमें क्या करना है, ऐसे सोचोगे ना तब स्ट्राइक करना चालू होगा. ये याद रखने की चीज है, बिल्कुल मेमोरी बेस, पूरा खेल मेमोरी बेस है. अभी तो अपन वो कर रहे हैं ना, जो आप सोचो ये स्टार्टिंग है, और सोचो अपनी एक्सएल थ्री में क्या भर रखा होगा उन्होंने, एक्सएल थ्री में वो उसको पटकने की कोशिश करते हैं जिसका पिछले कम से कम 3 या 4 साल का इंटीग्रेशन अच्छा देखा हुआ है, वो चाहते हैं इंटीग्रेशन में वो बंदा भी वहां पे रुके. अरे ये सब है ना, जिन्होंने भी शीट बनाई थी ना, तो जिस समय शीटें बननी चालू हुई थी ये सब कॉपीड कहां से, आप समझते ही होंगे, ठीक है ना. हाँ ये उस समय की बातें हैं ना, जिस समय 5-5 साल तक बच्चा आईआईटी का पेपर दिया करता था, मजाक की बात नहीं है. पहले क्या लिमिट नहीं हुआ करती थी, पहले लिमिट, आज से कोई 15 साल पहले लिमिट थोड़ी ना होती थी, एज लिमिट नहीं थी कोई, बस 25 के बाद मत देना,
वहां से मान लेते बुढ़ापा आ गया भाई, अब मत दे यार, अब तो छोड़ दे, ठीक है। तो पुराने टाइम का एक AR-1 जो जिसका नाम डूंगराराम चौधरी है, अगर आप उसका पता करोगे तो आपको पता लगेगा वो फोर्थ अटेम्प्ट में निकला, इससे पहले के पूरी ट्राई करोगे 1831 तक। अब आपको लग रहा होगा मैंने आपको कहां से दिया, 1726 से, लेकिन मैं आपको बता देता हूं मैंने अपनी तरफ से आपको कौन कौन से क्वेश्चन भी करवा दिए। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1760 भी करवाया, 1759 भी कराया, अंडर रूट 1-25 स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये कि आधे ज्यादा मैं खेच चुका हूं, राइट भाई। आपको तो आपको कोशिश करनी है कि 1710 के बाद जितना भी हो सकता है खेचते जाओ 1835 तक, 1831 तक। अरे टिंगू क्वेश्चन है, एक एक लाइनर, वन वन लाइनर है। अभी जब अब आप जब मेरे साथ बैठते हो तब तो आप खटखट उठा लेते हो। दोबारा पूछ लूं, साइन स्क्वायर को कैसे करना है, 1-cos2x/2 और cos स्क्वायर को। अच्छा अब किसी के मन में आ गया कि सर cos की पावर 4 हो गया तो, अरे cos की पावर 4 हो गया तो आप ये समझो, बड़े ध्यान से सुनना, 1+cos2x/2 का, तो आप में से हर एक जने को 1/4 तो बाहर दिख गया। कई बच्चों को दिखा 1+cos2x दिख गया होगा, और एक प्लस में 2cos2x, सही है ना भाई। ये देखो इसकी डिग्री कितनी 1, इसकी डिग्री कुछ भी नहीं, और इसकी डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 है उसे फिर रिड्यूस करो, क्योंकि हम डिग्रियों में नहीं खेलते। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा देखो जरा, 1/4 इंटीग्रेशन में 1+2cos2x को तो छेड़ा ही नहीं, इन्हें कह दिया तुम तो इकट्ठे हो जाओ। इस cos स्क्वायर थीटा को जानबूझ के लिखा 1+cos4x/2 नहीं आया, अरे cos स्क्वायर 2x होगा तो 1+cos4x/2 अभी भी पल्ले नहीं पड़ा। अब आपको पता लग गया, खोल दो इसको, बस एक एक करके खोलते जाओ, खत्म कर दिया खेल को। ये जैसे 1/2 बना, 1/2 और 1 3/2 × 1/4 3/8 तो 3/8x, 3/8x, x कहां से आया, अरे dx है इसका, बोलो 2 sin 2x/2 इसका बोलो, sin 4x/4 अभी भी नहीं आया। और बाहर की जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई चलती रहेगी वो कांस्टेंट कांस्टेंट आप उड़ाओगे, वो मेरी हेडेक नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ याद दिलाऊंगा। क्या आप ये बात समझ गए? अब एक के मन में है सर अगर क्यों बताता हूं, आपको तो पता ही, मैं 2 की और 4 की तैयारी कर देता हूं, 3 पूछेगा मुझसे, सही है। cos क्यूब एक्स होता तो क्या करते, मैंने कहा देखो cos क्यूब एक्स होता तो मैं आपको एक प्राचीन बात याद दिलाता, आपको मैं याद दिलाता cos 3x, किसी को याद है, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, याद आ गया। अब रुको, आपके सामने मैं यहीं से इसमें कुछ चेंजेस करता हूं, आप समझ के बताना कि ये सही लिखा या गलत लिखा। इट इज इक्विवेलेंट टू cos 3x + 3 cos x / 4, क्या ये बात पकड़ गए, नहीं है, क्या क्या किया बताओ, इसको यहीं छोड़ा, इसको उधर ले गया, और इसके 4 को, आपको ये पता चल गया मैं cos क्यूब x के अंदर जो डिग्री 3 है उसको डिग्री 1-1 में बदल गया, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। तो आप में से सभी को यह बात समझ में आ गई होगी कि जिसका इंटीग्रेशन निकालना तो इसका निकालो, नहीं है, अभी भी समझ में आया। अब आप में से कितने लोग मेरे को sin क्यूब x के बारे में बता सकते हैं, एक बंदे ने कहा मैं sin क्यूब x बता सकता हूं, याद है क्या करना है, पहले sin 3 थीटा को सोचो, sin 3 थीटा को सोच लोगे, फिर उसके फार्मूले में sin क्यूब x को इधर उधर ले जाओगे, नहीं आया। आगे से याद रखना हम डिग्री में नहीं खेलते, 4 के बाद वैसे पूछते भी नहीं है, आपकी तकदीर ही तेज हो तो बात और है, ठीक है ना, वो फुल तेज है, ठीक है। अगर वो फुल तेज है तो आपके इस बार वाली ट्रिग्नोमेट्री में cos की पावर 5x को लेकर एक फार्मूला बताया गया होगा, अरे नहीं बताया तो पिछले साल में देख लेना, cos की पावर 5x के लिए कुछ ना कुछ है, अरे है, मैं कह रहा हूं ना, मैं तो करवाता हूं ना, मेरे को पता है ना, लास्ट ईयर की कॉपी में उठाओगे तो आपको मिल जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना, cos क्यूब * cos स्क्वायर को करना, अभी भी पल्ले नहीं पड़ा। cos क्यूब x की जगह ये भरना और cos स्क्वायर x की जगह लिखना 1+cos2x/2 मल्टीप्लाई करना, फिर कोई cos स्क्वायर बनेगा, फिर आप उसके साथ फिर डील मार देना, अभी भी पल्ले नहीं पड़ा, कर लेंगे कि नहीं पढ़ ले, कर लेंगे। अच्छा सर लेकिन उसके अंदर सर एक एक, एक सर मेरे लिए मेरे साथ ऐसी तकलीफ हो गई, cos 3x * cos 2x बन गया तो उसका क्या करोगे सर, इनमें तो दो दो मल्टीप्लाइड है। मैंने कहा याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में क्लियर कट बताया जाता है, हम मल्टीप्लीकेशन में नहीं खेलते, हम उसे प्लस या माइनस में बदल लेते हैं, तो इसके आगे 2 की चाबी लगाओ
टू की चाबी लगाते प्लस माइनस में तैयार। अब ये टू कॉस कॉस है तो वन बाई टू कॉस प्लस कॉस। अरे नहीं याद आया, बाकी तो आप कर ही लोगे, अभी भी नहीं आया। जैसे अलग होगा खटखट इंटीग्रेशन, आप ये समझ में नहीं आ रही। अब आप में से कितने, अब आप में से किसी को ये दर्द तो नहीं कि मैं कॉस की पावर 5x में क्या करूंगा। अब आप कॉस की पावर 5x तक भी आ गए ना, है ना, 6x नहीं आएगा, डोंट वरी।